दोस्तों आज हम पांच टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपके बड़े बड़े डाउट हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन सेल को लेकर, वो भी मैं दूर करूंगा इस वीडियो में। हमारा पहला टॉपिक है इन्फिनिक्स हॉट 9। दोस्तों फाइनली ये सीरीज इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। इसके दो वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे, एक आएगा 8,500 में इन्फिनिक्स हॉट 9 और दूसरा है इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो। इसका प्राइस है 9,500 के आसपास। इन दोनों में डिफरेंस है सिर्फ इनके रियर कैमरा में। जो सस्ते वाला है हॉट 9 वहाँ पर आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप और जो प्रो वेरिएंट है वहाँ पर है 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप। यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा इन दोनों स्मार्टफोन से आपको बच के रहना है क्योंकि यहाँ पर आपको मिल रहा है मिरेटेक किलो P22 जो कि हम सब जानते हैं एंट्री लेवल का चिपसेट है। इसके लिए इतना पे करना बिल्कुल भी नहीं बनता। अगर हमें पे करना हो इस चिपसेट के लिए तो मैक्सिमम हम करेंगे 6-7,000 के आसपास, इससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको उसी प्राइस पे कोई फ़ोन चाहिए तो आप ले सकते हैं रियलमी नार्जो 10A, रियलमी C3 या फिर वीवो U10 भी आप ले सकते हैं। वहाँ पर है स्नैपड्रैगन 665, हालांकि वो भी कोई बहुत बढ़िया चिपसेट नहीं है लेकिन P22 के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा ये चिपसेट है। ये फ़ोन आपको मिल जाएगा 10,000 की रेंज में। इसके अलावा अगर आपको सैमसंग का फ़ोन चाहिए तो M30 भी आपको मिल जाएगा 3GB वाला वेरियंट 10,000 में। अब आप खुद बताओ हम इस प्राइस पे इन्फिनिक्स हॉट 9 सीरीज क्यों परचेज करें जब परफॉर्मेंस यहाँ पर हमें अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको मिल रही है 5000mAh की बैटरी साथ में पंचोल डिस्प्ले। ये दो चीज़ें मुझे फ़ोन की पसंद आई हैं, इसके अलावा सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। हो सकता है आपको लगे यहाँ पर रियल में आपको मिल रहा है क्वाड कैमरा सेटअप वो भी इतने कम प्राइस पे। तो देखो यार, जरूरी नहीं है जो आपको दिखाया जा रहा है वही सच हो। कई बार क्या होता है, दिखता कुछ और है, एक्चुअल में कुछ और निकल के आता है। खुद आप सोच के देखो, यहाँ पर है मिरेटेक किलो P22, इसमें क्वाड कैमरा सेटअप कैसा परफॉर्म करेगा, सोचने वाली बात है। दोस्तों एक तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक टारगेट रखा हुआ है अगस्त तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स अचीव करने का। टाइम कम रह गया है, दबा के वीडियो को शेयर कर दीजिए, बरसा दो अपना प्यार, दिखा दो अपनी ताकत। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि है रियलमी की तरफ से। रियलमी X3 और रियलमी X3 सुपर जूम, इनको गोरिल्ला ग्लास का सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है। तो अब ये फ़ोन इंडिया लॉन्च से बिल्कुल भी दूर नहीं है। आप ये मान लो जून में आपको ये फ़ोन इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। अब बस लीक्स जो कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस है रियलमी X3 का वो आपको मिलेगा 22,000 के आसपास स्नैपड्रैगन 765G के साथ, और जो रियलमी X3 सुपर जूम है ये आपको मिलेगा 30,000 की रेंज में। देखते हैं बाकी एक्चुअल में क्या निकल के आता है। बाकी आप बताओ मुझे कमेंट्स में, क्या आप एक्साइटेड हैं रियलमी X3 सीरीज़ के लिए या आप वेट कर रहे हैं किसी और स्मार्टफोन का, बताना मुझे कमेंट्स में। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो कि है टिकटॉक की तरफ से। टिकटॉक का जितना बवाल हुआ था सब कुछ वापस वहीं पर आ चुका है जहाँ से शुरुआत हुई थी इस चीज़ की। टिकटॉक की रेटिंग आप देख सकते हैं वापस कहाँ पर पहुँच चुकी है। 8 मिलियन के आसपास रिव्यूज डिलीट किए हैं गूगल ने टिकटॉक की। टिकटॉक 1.2 पे आ गई थी टिकटॉक की रेटिंग, अब ये वापस आ चुकी है 4. तो सबकी मेहनत बेकार हो चुकी है। यहाँ पर गूगल का ये कहना है कि जो टिकटॉक पे नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे थे वो फेक रिव्यूज़ थे, मतलब कि फेक आईडीज़ बनाकर ज़बरदस्ती रिव्यूज़ पोस्ट किए जा रहे थे। गूगल इसको मान रहा है इनवैलिड एक्टिविटी। अब देखते हैं यार इतने बवाल के बाद क्या होता है, क्या टिकटॉक अब सुधर जाएगा या फिर सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा था। उम्मीद तो है टिकटॉक अपनी न्यू पॉलिसीज अब लेकर आएगा। अगर ऐसा ना हुआ फिर तो कोई नया बवाल मुझे लगता है स्टार्ट हो जाएगा। हमारा अगला टॉपिक है रियलमी TV। मुझे इसको लेकर आपके काफ़ी सारे कमेंट्स मिल रहे हैं, क्या रियलमी TV वैल्यू फॉर मनी है। देखो इंडिया में रियलमी TV के दो वेरिएंट लॉन्च हुए हैं, एक तो है 32 इंच का HD रेडी 13,000 में, दूसरा है फुल HD 43 इंच का 22,000 में। इन दोनों में बाकी सब कुछ सेम है, बस डिफरेंस है एक तो रेजोल्यूशन का, दूसरा स्क्रीन साइज़ का। मुझे रियलमी TV वैसे तो अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा जो कि पहले आपको उस प्राइस पे नहीं मिलता, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। बट वैसे TV सही है, आप अगर ये TV परचेज करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने वाली। रिमोट भी इसका काफ़ी अच्छा है और साथ में जो इसमें आपको UI मिलता है वो भी ज़बरदस्त है। आप परचेज कर सकते हैं रियलमी TV। बस ये है कि और भी ऑप्शन सेम प्राइस पे अवेलेबल हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लिपकार्ट अमेजोन सेल को लेकर। मुझे आपके इतने सारे कमेंट्स मिल रहे हैं कब सेल स्टार्ट होगी, कितना हमें वेट करना पड़ेगा।
तो देखो यार, दो बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली बात अमेजोन को लेकर, अमेजोन पे अभी एक सेल चल रही है, ठीक है। इसको लेकर मुझे इतने कमेंट मिलते हैं कि क्या हम ये फ़ोन परचेज़ कर लें इस सेल में। मैंने देखा कि सेल कब स्टार्ट हो गया अमेजोन पे, मैंने चेक किया तो यहाँ पर जो भी उल्टे सीधे फ़ोन हैं उन पे आपको SBI कार्ड का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। कुछ फ़ोन यहाँ पर अच्छे भी हैं, सारे फ़ोन बेकार नहीं हैं, बट मैक्सिमम फ़ोन ऐसे हैं जो कि आपको बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करने हैं। तो ये कोई बड़ी सेल नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही थोड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है आपको SBI बैंक की तरफ से। इस सेल में आप बस ये दो फ़ोन हैं जो परचेज़ कर सकते हैं। एक तो है रेडमी नोट 8 प्रो जो आपको 15,000 का मिल जाएगा SBI बैंक का ऑफर लगाकर। दूसरा है OnePlus 7T, यहाँ पर भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। फिलहाल ये फ़ोन आपको मिल रहा है 35,000 का। इसके अलावा एक भी फ़ोन नहीं है जिस पे आपको इन्वेस्ट करना है इस सेल में। ये कोई सेल नहीं है, ये सिर्फ एक धोखा है, आपको ये बात माइंड में रखनी है। जितने भी अच्छे स्मार्टफोन्स हैं उनमें से किसी पे भी आपको बैंक ऑफर नहीं दिया जा रहा है। बस ये दो फ़ोन मैंने आपको बताए हैं, यही आप परचेज़ कर सकते हैं यहाँ पर, और आप सब कुछ इग्नोर कर दीजिए। जो असली सेल है वो भी स्टार्ट नहीं हुई है। आपको फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पे जहाँ तक मुझे लीक्स मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 10 जून 15 जून इसके आसपास सेल देखने को मिल जाएगी। पहले मैं लगा था फ्लिपकार्ट बिग शॉपिंग डेज या फिर मोबाइल बोनांजा सेल, ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा, बट फिलहाल जो लीक्स हैं उनके अकॉर्डिंग समर सेल आपको देखने को मिल सकती है अमेज़ोन पे फोन फेस्ट और फ्लिपकार्ट पे समर सेल। बाकी कुछ भी कन्फर्म होती सेल को लेकर मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूँगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं है, सब कुछ लीक्स हैं। उम्मीद है ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा 10-15 जून के आसपास। हमारा अगला टॉपिक है OnePlus Z को लेकर। दोस्तों OnePlus Z ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि ये फ़ोन आपको जुलाई के आसपास देखने को मिल जाएगा। अब इसके कुछ स्पेक्स भी लीक होकर सामने आई हैं। अगर ये फ़ोन आपको ऐसा मिलता है और मिलता है 30,000 के आसपास, फिर तो ये मैं कहूँगा मार्केट में तहलका मचा सकता है। यहाँ पर आपको 6.4 इंच का डिस्प्ले मिल सकता है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ, साथ में 4000mAh की बैटरी और डैश चार्जर तो आपको यहाँ पर मिलेगा ही, साथ में पंच होल डिस्प्ले यहाँ पर होगा। ये एक और पिक्चर सामने आई थी इसके टेम्पर ग्लास की, ये भी आप देख सकते हैं, इस तरह का पंच होल यहाँ पर आपको मिल सकता है। अगर मैं बात करता हूँ परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पर आपको मिल सकता है स्नैपड्रैगन 765G और आपको मिलेगा 5G का सपोर्ट भी। बस यहाँ पर कैमरा को लेकर अभी डाउट है कैसा आपको देखने को मिलेगा। जो लीक्स कह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको रियर में ड्यूल कैमरा सेटअप मिल सकता है, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मेरे अकॉर्डिंग कम से कम आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा। अगर लीक्स की हम मानते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा रियर में 48+16 मेगापिक्सल का सेंसर और फ्रंट कैमरा हो सकता है 12 मेगापिक्सल का, बट कैमरा को लेकर मुझे बहुत बड़ा डाउट है। तो वेट करते हैं हम, कुछ और डिटेल सामने आते ही मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूँगा। फिलहाल आप ये मान लो OnePlus Z आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी बहुत ही अच्छी प्राइसिंग पे। अगर सही प्राइस हुआ फिर तो उस सेगमेंट का ये बेस्ट फ़ोन भी बन सकता है 30,000 की रेंज का। लेकिन दोस्तों जैसी प्राइसिंग रखी है OnePlus ने OnePlus 8 सीरीज़ की, उसको देखकर लग रहा है इसका प्राइस OnePlus 35,000 तक भी लेकर जा सकता है, 30-35,000 के आसपास। देखते हैं क्या होता है, आपको इसके बारे में क्या लगता है बताना मुझे कमेंट्स में। हमारा अगला टॉपिक है सैमसंग को लेकर। दोस्तों सैमसंग के दो न्यू फ़ोन आपको देखने को मिलने वाले हैं, दोनों की कुछ डिटेल सामने निकल के आ चुकी है। पहला फ़ोन है सैमसंग M01, ये रहेगा सैमसंग का एक एंट्री लेवल का स्मार्टफोन, मतलब इसका प्राइस आप मान लो 6-7 हज़ार के आसपास आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिल रहा, तो प्राइस इसका इसी के आसपास ही रहेगा। यहाँ पर आपको मिल सकता है 5.7 इंच का IPS LCD पैनल वाटर ड्रॉप नोच के साथ। इसके अलावा परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन 439 इस फ़ोन में हो सकता है, चलो अच्छी बात है, एक्जीनोज आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगर प्राइस इसका वही रहता है 6-7 हज़ार के आसपास, फिर तो मैं कहूँगा कमाल हो सकता है, बट अगर इसका प्राइस हुआ वही 9-10 हज़ार के आसपास, फिर उतना मज़ा नहीं आने वाला यहाँ पर। ये स्पेक्स हैं जो कि आपको मिल सकती हैं इस स्मार्टफोन की। 3GB रैम, 32GB स्टोरेज, रियर में ड्यूल कैमरा सेटअप, 13+2 मेगापिक्सल USB-C Type पोर्ट के साथ। बैटरी कितनी होगी उसको लेकर अभी कुछ भी नहीं पता। इसके अलावा है सैमसंग गैलेक्सी M11, इसकी भी काफ़ी डिटेल सामने निकल के आ चुकी है। अब लीक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मिलेगा 6.4 इंच का IPS LCD पैनल, यहाँ पर भी आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलेगा लीक्स के अकॉर्डिंग, पर मुझे लग रहा है ये थोड़ा लीक गलत हो सकता है, क्योंकि जो सैमसंग M10S था वहाँ पर भी आपको मिला था सुपर एमोलेड डिस्प्ले, तो ऐसे में यहाँ भी मेरे अकॉर्डिंग एमोलेड ही आपको मिलना चाहिए। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर होगा स्नैपड्रैगन 450।
रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप 13+5+2 मेगापिक्सल, 5000mAh बैटरी, 15W फास्ट चार्जिंग के साथ। अगर ये फ़ोन सेम ऐसा ही आता है तब इसका प्राइस मेरे अकॉर्डिंग 8000 के आसपास रहना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होते हैं आने वाले टाइम में। आपको जून में सैमसंग के बहुत सारे फ़ोन देखने को मिलने वाले हैं। मैंने अपकमिंग फ़ोन्स पे वीडियो भी बनाया था, वो भी आप चेक कर सकते हैं अगर आपने अब तक नहीं देखा तो। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, मैं Redmi Note 9 Pro Max के 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने अब तक नहीं देखे वीडियो तो वो भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कुछ हेल्प मिलेगी आज की वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। Thanks for watching this video.